की थी, जिसमें हमने तितली के कलर दिए थे, तितली की पिक्चर को, चित्र को हमने कलर किया था। आज हम कुछ नया करेंगे, ठीक है बच्चों? तो हम क्या करेंगे नया? चलो देखो, अभी हमने कुछ सीखा है, बहुत सारी पढ़ाई की है अभी तक हमने, तो हमने क्या क्या सीखा है? एक बार हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। क्योंकि आप सभी अभी किस कक्षा में हो? दूसरी कक्षा में हो, और अभी हमें हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है, जिन मात्राओं की हमने पहचान की है, शब्दों की पहचान की है, उसकी हम अच्छे से क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्योंकि रिवीजन से क्या होगा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो हमारे अच्छे से दिमाग में आ जाएगा हमें, ताकि हम एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, और आप सभी को क्या मिलेगा? बड़ा स्टार, है ना? तो आप सभी को बड़ा स्टार चाहिए। हाँ, तो इसीलिए हम आज क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। तो बच्चों, हमने हमारे इस किताब में, जिसका नाम है रोली हिंदी पाठमाला एक, हमारी किताब का नाम क्या है? रोली हिंदी पाठमाला भाग एक। तो इसमें हमने बहुत सारी पढ़ने की, तो पहले हमने क्या देखा? तो झलकी देखी, उसके बाद हमने देखा हैप्पी बर्थडे का चित्र पठन, यानी कि एक चित्र दिया था जो बर्थडे का था, और उसका हमने क्या किया? पठन किया। पठन का मतलब है हमने उसका वाचन किया है, ठीक है? उसके बाद हमने देखा गेंद कहाँ गई, गेंद कहाँ गई, यह हमने चित्र कथा तैयार की। आप सभी ने ये चित्र कथा तैयार की है ना? हाँ, तो ये कहानी मुझे आपको सभी को बतानी है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया? आओ वर्णमाला दोहराए। आप जब कक्षा में थे तो मैंने आपको वर्णमाला सिखाई थी, आपको पढ़ाई थी, तो वर्णमाला तो आप सभी जानते हो। हाँ, तो इसका भी हमने रिवीजन किया, और वर्णमाला हमारे इस नोटबुक में हमने लिखी थी, ठीक है? बराबर है? हाँ, और हमने किताब में भी लिखी थी। उसके बाद देखो, ओ हमारा पहला पाठ कौन सा था? ओ, तो ओ पाठ में हमने क्या क्या किया? तो ओ पाठ में हमने अमात्रिक शब्द, यानी कि क्या होता है अमात्रिक शब्द, कौन से है अमात्रिक शब्द, की संज्ञा क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, ये सब सीखा, ठीक है बच्चों? तो अमात्रिक शब्द यह पाठ निकालो पहले। चलो पेज नंबर आप 11 में निकालो। कौन सा पेज? 11 नंबर का पेज निकालो। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ कितने सारे अमात्रिक शब्द हैं, जिसका पठन, जिसका अध्ययन हमने पहले से ही किया है। तो ये अमात्रिक शब्द जो पहला जो हमारा पाठ है, इसका आपको फिर से एक बार अच्छे से पठन करना है। उसके बाद हमने यश हट मत पर यह कथा लिखी थी, कहानी लिखी थी। उसके बाद हमने यह अभ्यास छुड़ाया था, जो कि कहाँ पे है? हमारे पाठ्य पुस्तक में है, हमारे टेक्स्ट बुक में है। उसके बाद हमने गाना भी मम्मी के साथ गाया है, कौन सा? छम छम बरस। अभी जो हमारे ये जो बारिश हो रही है, इसके आधारित यह गाना है। तो आपको यह गाना घर पे मम्मी के साथ गाना है, ठीक है? उसके बाद गाड़ी आती है हमारा पाठ नंबर दो, यानी कि आ। तो हमने आ में क्या देखा? आ में हमने क्या देखा? तो आ की मात्रा का हमने पहचान की, आ की मात्रा का अध्ययन किया। तो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 15 पर, तो आ की मात्रा के बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यह शब्द हमने हमारे नोटबुक में भी लिखे हुए हैं, सभी ने लिखे हुए है ना? हाँ, वेरी गुड। तो इसके बाद ये आपकी मात्रा का इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं, शब्द में कहाँ कहाँ पर
और ये यहाँ पे भी छुड़ाया है। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो इस बछड़े का हमने गाना देखा, यह है भागम भाग मचाता बछड़ा। हाँ, तो यह बछड़ा किस तरह से भागम भाग मचाता है, यह गाना भी आपको आपके मम्मी के साथ अच्छे से क्या करना है, याद करना है। इसके बाद बारी आती है पाठ क्रमांक तीन की। तो ये तीन नंबर का जो पाठ है वह है ई की मात्रा। यहाँ पे दी है छोटे ई की मात्रा, मैंने आप सभी को ये मात्राएं दिखाई है, ठीक है। तो ये ई की मात्रा जो है इसका हमने अध्ययन किया, छोटे ई की मात्रा का हमने परिचय किया। तो ये परिचय करते समय हमने ई मात्रा से, छोटी ई की मात्रा से आने वाले बहुत सारे शब्द हमने अच्छे से याद किए, ठीक है बच्चों। और ये हमने हमारे नोटबुक पे लिखे। क से लेकर श तक जितने भी व्यंजन हैं उन सभी को हमने ई की मात्रा लगाई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कविता क्या कर रही है, क्या कि माँ कविता को क्या क्या बता रही है और कविता क्या क्या कर रही है, यह स्टोरी हमने, कहानी हमने डलिया भरकर नारियल यहाँ पे देखी। ये कहानी आपको अपने माँ को अच्छे से पढ़कर सुनानी है, ठीक है। उसके बाद हमने इस पाठ का अभ्यास भी किया। ये अभ्यास खत्म होते ही हमने पाठ क्रमांक चार देखा, पर ये पाठ क्रमांक चार देखने से पहले हमने कुछ चिड़िया का गाना सीखा, उड़ जा चिड़िया। तो ये जो चिड़िया है वो क्या कर रही है, कहाँ उड़ रही है, वो तिनका लाकर क्या करती है, यह गाना हमने सीखा। और यह गाना आपको आपके मम्मी के साथ अच्छे से गाना है, और जब आप स्कूल में आओगे तब यह गाना मुझे भी अच्छे से सुनाना है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है बड़े ई की, जो कि है हमारा पाठ क्रमांक चार, बड़े ई की मात्रा। तो इस मात्रा का भी हमने अच्छे से अध्ययन किया, इस मात्रा की अच्छे से हमने पहचान की। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 20 शब्द हमने लिखे, और बड़े ई से कितने सारे शब्द तैयार होते हैं, इनका वर्ण विच्छेद किया। क से लेकर श तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं उन सभी व्यंजनों को हमने अच्छे से बड़े की ई मात्रा लगाकर इस नोटबुक में लिखा है। क्या आप सभी ने लिखा है ना? हाँ, जब आप स्कूल में आओगे तो मैं आपकी नोटबुक देखने वाली हूँ, हाँ ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि नानी की दावत कैसी थी। हाँ, नानी जो रानी की नानी है, इस नानी ने दावत दी, और यह कहानी का अध्ययन हमने किया था। उसके बाद हमने अभ्यास छुड़ाया, इस अभ्यास में कई सारे सवाल जवाब है, उन सभी का हमने अच्छे से अध्ययन किया। उसके बाद आज और एक बात की हमने, क्या किया, ये कौन है, तितली है। हाँ, तो इस तितली में हमने कई सारे रंगों का इस्तेमाल किया और ये तितली को हमने रंगीन बनाया। इसके बाद देखो बच्चों, हमने तितली का गाना भी गाया है, तितली आई। क्या गाना है हमारा, तितली आई। किस तरह से तितली फूलों पर उड़ती रहती है और वो हार बिल्कुल नहीं आती, इसका भी हमने अच्छे से गाना गाया है। तो यह गाना भी आपको अच्छे से याद करके स्कूल में आते ही मुझे अच्छे से सुनाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने हमारी पढ़ाई की है, और उसके साथ हमने और भी एक काम किया है कि मैंने जो आपको वर्कशीट दिए थे, जैसे कि अमांतरिक शब्द की वर्कशीट है सभी के पास, हाँ, तो ये आपने छुड़ाई है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपने आपके मात्रा की वर्कशीट छुड़ाई होगी, है ना, हाँ। उस
वर्कशीट छुड़ाई होगी। कितनी सारी वर्कशीट आपने छुड़ाई है? कितनी वर्कशीट छुड़ाई? चार वर्कशीट। तो ये जो वर्कशीट है जो आपने अच्छे से पेंसिल से छुड़ाई है, ये सब वर्कशीट आपको अच्छे से एक पानी में रखनी है। स्कूल हमारा शुरू होते ही ये वर्कशीट में अच्छे से देखने वाली हूँ, चेक करने वाली हूँ और आपको स्टार भी देने वाली हूँ। जो बच्चे अच्छे से छुड़ाएंगे उनको मिलेगा बड़ा स्टार, है ना। और मेरे सभी बच्चे कैसे हैं? बहुत होशियार है। तो बच्चों यहाँ तक तो हमारी पढ़ाई हो गई है, अब हम रिवीजन हमारी कंप्लीट हुई है, तो हमारे इस अध्ययन पर किस तरह से जवाब आएंगे, किस तरह से सवाल आएंगे, उन सवालों के जवाब हमें किस तरह से देने हैं, यह अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो वर्णमाला पूरी करो, यह हमारा है पहला सवाल। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें अभी पूरी वर्णमाला अच्छे से याद करनी है। उसके बाद दूसरा सवाल है, वर्णमाला दो बार जोर से पढ़ो। तो वर्णमाला आपको अच्छे से जोर जोर से मम्मी के साथ पढ़नी है। कितनी बार? दो बार। उसके बाद देखो शब्दों को दो बार जोर से पढ़ो। जितनी भी हमारे अमात्रिक शब्द है, आपकी मात्रा के शब्द है, छोटे ई की मात्रा के शब्द है, बड़े ई की मात्रा के शब्द है, ये सभी शब्द आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कितनी बार पढ़ने हैं? दो बार। कितनी बार पढ़ने हैं? दो बार, ताकि ये शब्द आपको अच्छे से पहचानने आ सके, अच्छे से आपके दिमाग में याद रख सके। उसके बाद देखो चौथा सवाल है, चित्रों को पहचान कर उनके नाम बताओ। तो मैं यहाँ पे आपको कई चित्र दिखाऊंगी और आपके पाठ्य पुस्तक में भी बहुत सारे चित्र हैं, तो वो चित्र आपको अच्छे से पहचानने हैं। तितली का है, नारियल का है, साइकिल का है, बहुत अचकन का है, अखबार है, ऐसे कितने सारे चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, तो आपको वो अच्छे से पहचाननी है और उनके नाम बतानी है। उसके बाद सवाल है पांचवा, पाठ का वाचन करो। तो जो छोटी छोटी कहानी हमने देखी, राजा बाजार गया, नानी की दावत, ऐसी हमने कुछ कहानियाँ पढ़ी ना, तो वो कहानी यानी कि हमारा पाठ है। तो वो पाठ है यानी कि लेसन है, वो आपको धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात होती है सवाल नंबर छः की, कविता गाकर सुनाओ। ये तो बहुत आसान है, आपको गाना बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चे बहुत होशियार है, अच्छे से गाना गाते हैं, है ना। तो आपको ये कविता भी पढ़नी है, गानी है। उसके बाद अमात्रिक शब्द किसे कहते हैं? तो जब मैंने अमात्रिक शब्द यह लेसन आपको सिखाया था, पाठ आपको सिखाया था, तब आपको बताया था कि किसे अमात्रिक शब्द कहते हैं। आज एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ, जिन शब्दों में किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं होती, कोई भी मात्रा नहीं होती, उन शब्दों को अमात्रिक शब्द कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो सवाल नंबर आठ, आपकी मात्रा के शब्द बताओ। तो आपकी मात्रा के शब्द भी आपको मालूम है, हाँ, तो वो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद नौवां सवाल है, ई की मात्रा के शब्द बनाओ। कौन सी ई है यहाँ? छोटी ई, हाँ, छोटे ई की मात्रा के शब्द बताओ, वो भी अच्छे से आपको याद करने हैं। उसके बाद हमारा अगला और आखिरी सवाल है, बड़े ई की मात्रा के शब्द बताओ। आपको बड़े ई की मात्रा के भी शब्द अच्छे से याद करने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज तक हमने हमारा एक से लेकर चार तक जितने भी हमने लेसन है
जो पाठ है उनका अच्छे से अध्ययन किया है। और इससे पहले हमने जल की हैप्पी बर्थडे गेम कहाँ गई आओ वर्णमाला को बनाए इनका भी अच्छे से अध्ययन किया है। यदि बच्चों आप देखोगे तो पेज नंबर 5 से हमने क्या किया है पेज नंबर 30 पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 30 तक सभी जो हमारा अध्ययन है वो हमारा अच्छे से पूरा हो गया है। तो रिवीजन करनी है इसका अध्ययन करना है और अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी इसकी अच्छे से रिवीजन करो। धन्यवाद।